गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मीनू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स जमशेदपुर, अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्राओं के साथ। आज आप लोग जानेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में। पिछले क्लास में हमने बात की थी मल्टीमीडिया अप्रोचेज इन एजुकेशन की, जिसके अंतर्गत हमने कई तरह के मैकेनिकल एंड प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमने समझा था फिल्म, फोटो स्लाइड, पिक्चर एंड टेलीविज़न के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में। यह टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ईपीसी 1 के यूनिट 3 आईसीटी इन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू व्यू फोटोग्राफिक स्लाइड्स बाय यूजिंग ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स। इट कंटेन एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, फोकसिंग लेंसेस, रिफ्लेक्टर एंड कॉन्डेंसिंग लेंस, अ होल्डर दैट होल्ड द स्लाइड। सिंपल स्लाइड प्रोजेक्टर वॉज नोन एज मैजिक लैंटर्न इन द ओल्डन डे। द प्रिंसिपल हियर इज दैट व्हेन वी पुट द ट्रांसपेरेंट स्लाइड ऑन द सॉकेट एंड थ्रो लाइट फ्रॉम बिहाइंड, द लाइट पासिस थ्रू इट एंड प्रोजेक्ट द इमेज ऑन द स्क्रीन। अ स्लाइड प्रोजेक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्ट, देयर थ्री हैलोजन lamps, light to be reflected by the reflector, a heat filter and lastly condenser lenses. The heat filter is a thermocrystal which absorbs most of the heat produced by three lamps. A cooling system is also needed, which consists of a fan for convecting of the heat, filter and other components. The fan is thermostatically controlled. When projector is switched off, the fan is also switched off. How this slide projector works? Let's try to understand its working. When light passes through the slide, it projects an upside down and laterally inverted image on the screen because of the objective lens placed between the slide and the screen. If you want to bright more, we can use a focusing knob in order to change this inverted image into a normal image on the screen. We will insert the slide in the inverted position. Yes, जब हम स्लाइड प्रोजेक्टर को यूज करते हैं तो हमें इसके अंदर जो हमारा इमेज होता है, स्लाइड होता है, उसे हम उल्टा रखते हैं ताकि जब ये डिस्प्ले हो तो सीधा डिस्प्ले हो। इन ऑटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्टर फॉलोइंग कंपोनेंट आर नीडेड, मैग्नाइज फैसिलिटी, रिमोट कंट्रोल स्विच, one for fan and projector each, automatic timing device, synchronized projection sound and sight both. This recorded textual matter make the projector an effective means of communication. Slides are single frame 2x2 mounted, one on
in a roll of about 20 frames to be shown one by one. These slides are put into the socket one by one. These slides are projected through slide projector especially designed for the purpose. When they are supplemented with synchronized audio recording, they become audio visual. आइए अब हम समझते हैं कि क्लासरूम में इस स्लाइड प्रोजेक्टर का क्या यूज है. क्लासरूम यूज ऑफ द स्लाइड प्रोजेक्टर. स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सेलेक्टेड टॉपिक एंड द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड बाय देम मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स, पिक्चर, ग्राफ, स्केच्ड एटसेट्रा. द टॉपिक सेलेक्टेड शुड बी अरेंज्ड फ्रेम बाय फ्रेम. The ideal ratio of length and breadth of slide is 2:3. Yes, ideal ratio क्या होता है, जिस जो भी स्लाइड को हम प्रिपेयर करेंगे, जिस स्लाइड को हम बनाएंगे स्लाइड प्रोजेक्टर में लगाने के लिए, उसका एक आइडियल साइज होता है जो कि 2:3 के रेशियो में होना चाहिए, ताकि जब वो प्रोजेक्ट हो तो व्यूअर को देखने समझने में आसानी हो. ईच फ्रेम शुड हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट फॉर द केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. द स्लाइड एंड द फिल्म स्ट्राइप आर अरेंज इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर. द अरेंजमेंट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड विद द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी ऑफ द क्लासरूम. व्हेन स्लाइड्स आर सून इन द क्लास, कर्टेन्स आर ड्रॉन ऑन द विंडो in order to reduce the entry of normal light in the class. Before showing these slides, teacher elaborate important points. Once the film is over, the teacher gives his own comment and relates the aid with the lesson to be taught. आज हमने देखा कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है उसे क्लासरूम के अंदर क्यों यूज करें और उसको यूज करने से क्लासरूम में विद्यार्थियों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं और टीचर किस प्रकार स्लाइड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकता है. हमने देखा कि स्लाइड प्रोजेक्टर के जो स्लाइड्स होते हैं वो 2:3 के रेशियो में बनाने चाहिए और जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसे बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर का कोई एडिशनल लाइट क्लासरूम के अंदर ना आ सके, जिससे कि प्रोजेक्शन सही तरीके से हो सके. सारे खिड़की के पर्दे लगा दिए जाते हैं और टीचर का काम होता है कि जो स्लाइड बनाए वो टॉपिक से रिलीवेंट हो, टॉपिक को कवर करता हुआ हो, और स्लाइड को प्रोजेक्ट करने से पहले एक शिक्षक या शिक्षिका को चाहिए कि वो टॉपिक के पहले बच्चों को टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दें, उसके बारे में बात करें बच्चों से, उसके बाद वो स्लाइड को प्रोजेक्ट करें, उसे पूरी फिल्म दिखाएं, और जब प्रोजेक्शन ओवर हो जाए तब उसके बाद एक शिक्षक का कार्य ये होना चाहिए कि वो दिखाए गए स्लाइड के बारे में फिर से चर्चा करें. इस तरह से अगर हम स्लाइड प्रोजेक्टर यूज करें, जो कि एक मैकेनिकल प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत आता है, कक्षा में शिक्षण कार्य और भी प्रभावी हो सकता है. अगले क्लास में हम बात करेंगे फिल्म स्ट्राइप्स के बारे में. ये भी एक प्रोजेक्टेड एड से, तो हम समझेंगे कि ये कैसे कार्य करता है और इसकी क्या उपयोगिता है. आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू. थैंक यू.